दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आपके अपने चैनल ई फूड में, ई फूड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ हेल्पफुल नए नए वीडियोस लाती रहती हूँ, रेसिपी की हो, चाहे किचन से जुड़ी हो या चाहे आपकी होम रिलेटेड हो। तो ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे मुझे हेल्प मिलती है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या मेरी वीडियो में क्या कमी है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पूरा ज़रूर देखें और आप इस तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ई फूड रेसिपी पे जाइए, नहीं तो हैशटैग ई फूड रेसिपी डालिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मैंने आपके घर में, आपका यहाँ एक घर में ऐसा होल टेप तो ज़रूर रहता है, तो इसका यूज़ आपने आज तक खाली किसी चीज़ को, पोस्टर वगैरह को चिपकाने के लिए किया होगा। तो आज मैं इसका एक और यूज़ आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका अगर ये होल टेप का रैपर ख़त्म हो जाए, यहाँ इसमें मेरे में है थोड़ा सा, तो ख़त्म हो जाए, तो आपको आप इसको एक स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़र्श वगैरह पर तेल लग जाता है या कढ़ाई में नीचे पेनी में तेल लगा रहता है, तो फ़र्श पर रखने पर फ़र्श पर भी तेल लग सकता है। तो इसको आप यूज़ करिए, इससे आपकी फ़र्श गंदी नहीं होगी। और अब बारी आती है दूसरे टिप्स की। तो जैसा आप कढ़ाई में कुछ छानते हैं या बार बार कढ़ाई को यूज करते हैं, तो इससे कढ़ाई आपकी जल जाती है ज़्यादा, और इसको हमें बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है साफ़ करने में। और मेहनत लगाने के बाद भी इसकी चिकनाई नहीं जाती और पीछे चिकना लगा रहता है। तो आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताती हूँ जिससे आपकी कढ़ाई नहीं जलेगी। तो आप कढ़ाई को इस्तेमाल, आप कुछ छानने जा रहे हैं तो आप कढ़ाई के पीछे इस तरीके से अपनी साबुन का लेपन कर देंगे कढ़ाई के पीछे, तो आपकी कढ़ाई नहीं जलेगी और तेल भी नहीं लेगा और ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। जैसा कि गांव में आप देखते हैं तो मिट्टी के चूल्हे पर बर्तन चढ़ाने के पहले उस पर मिट्टी का लेपन करते हैं, तो इससे बर्तन जल्दी से छूट जाता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए। और तीसरी टिप्स है आपके लिए, जैसा कि आप रोज़ चौका बेलना धुलते हैं, बेलन और अपने चौके को, तो उसके लिए आपके घर में ऐसी पन्नी होगी पॉलीथीन जिसमें साड़ी वगैरह आती है, उसमें चैन लगा हुआ रहता है, या कोई भी पॉलीथीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पॉलीथीन में आप इस बेलन चौके को रख दिया करिए, इससे कीड़े वगैरह भी ऊपर नहीं लगेंगे और आपका चौका बेलन गंदा भी नहीं होगा, और आप सुबह फिर से इसको वापस से यूज कर सकते हैं और इस पर कीड़े मकौड़े भी नहीं घूमेंगे। तो इसको आप इस तरीके से यूज करिए। देखिए वीडियो में जैसा आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो पॉलीथीन में आप रख देंगे और सुबह जब आपको यूज करना है तो चैन खोलकर बेलन को निकालिए और फटाफट यूज कर लीजिए इसको। इससे आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी टिप है बनाना, जैसे हम केला खरीद के लाते हैं तो ये बहुत जल्दी गलने लगता है, घुलने लगता है और ख़राब हो जाता है, और बहुत लोग को कड़क गला घुला केला खाना पसंद नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बता रही हूँ जिससे आपके केले जल्दी गलेंगे नहीं, ख़राब भी नहीं होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप केले पेपर वगैरह तो आपके घर में रहता ही है, जैसा कि अगर ये पेपर नहीं है तो कोई दूसरा पेपर हो तो उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से केले को इस तरीके से रैप कर दीजिए केले को, और पेपर में मोड़ कर रखेंगे तो केला जल्दी से गलेगा नहीं, घुलेगा नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। और जब आपका मन कहे आप इसको निकाल कर खा लीजिए, और इससे केला ख़राब नहीं होगा और जल्दी गलेगा नहीं, तो इसको आपका केला एकदम कड़क बना रहेगा। और जब आपका मन कहे केला खाने का तब आप रैपर खोलिए और रैपर से निकाल कर केले को खा लीजिए। तो इसको ज़रूर आजमाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब आती है बारी लास्ट में, आप अक्सर देखते होंगे पिन वगैरह से ही हम सलवार या किसी भी चीज़ में नाड़ा वगैरह डालना रहता है, तो इससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हम ढूंढते हैं कि किस चीज़ से हम नाड़ा डालें या ऐसा क्या करें जिससे ये फटाफट हो जाए। तो अक्सर हम पिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं पिन का इस्तेमाल ना करके आप
जो बहुत ही आसानी से आप नाड़ा डाल सकते हैं, चाहे जितना लंबा नाड़ा हो डालना है आपको तो वो फटाफट हो जाएगा। तो आप एक पेन लीजिए, ऐसी पेन लीजिए जिसकी कैप बहुत ज़्यादा टाइट हो। देखिए इस तरीके से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप एक पेन लीजिए जिसकी कैप टाइट हो, उसकी कैप को इस तरीके से खोल लीजिए। खोलने के बाद आपका जो नाड़ा है उस नाड़े को इस कैप में इस तरीके से डाल दीजिए। नाड़े को पूरा घुसेड़ दीजिए कैप में, और कैप घुसेड़ने के बाद उसको पेन को अच्छे से इस तरीके से बंद कर लीजिए जिससे नाड़ा टाइट हो जाए। और अब होल में इस तरीके से डालते हुए आप इसको एक होल से इस तरीके से डालेंगे और दूसरे होल से इस तरीके से निकाल लेंगे पेन को। तो देखिए आपका नाड़ा फटाफट डल गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो आप इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए जिससे आपका टाइम भी बचत होगा और सामान की भी हानि नहीं होगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आजमाइए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। और अब बारी आती है छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। तो छोटी छोटी और मोटी बातें ये हैं कि अक्सर हम हार मान कर बैठ जाते हैं। कठिनाइयाँ और मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ और मुश्किलों से कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कठिनाइयाँ और मुश्किलें हमें कमज़ोर इनसे हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, इससे हमें और ताकत मिलती है। और जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हमारी बुद्धि और सूझबूझ के साथ काम से हमें और ताकत मिलती है। जैसा कि अब्दुल कलाम ने कहा है, आपने सुना ही होगा, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि हमारी छुपी हुई समझदारी और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो आप भी इसको मदद के रूप में लीजिए, ना कि हार मानकर अफसोस मानकर बैठिए। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। तो आप कभी भी मुश्किलों में हार मत मानिए। तो अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।